हेलो नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ए आर एस्ट्रोलॉजी और जेम एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आप लोग को पामिस्ट्री से जुड़ी एक स्पेशल जानकारी बताने जा रहा हूँ, एक स्पेशल लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में देखिए, लड़कियां हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में देखिए। जैसे कि आप सबको पता है, इसे कहते हैं सूर्य की उंगली और इसके नीचे पाया जाता है उसका पर्वत। तो आपको पहले मैं उंगलियों से अवगत करा देता हूँ। इसे कहते हैं कनिष्का उंगली, इसे कहते हैं अनामिका उंगली, इसे कहते हैं मध्यमा उंगली और इसे कहते हैं तर्जनी उंगली। तो मान लीजिए इसके नीचे का जो पर्वत है उसे सूर्य पर्वत कहा जाता है और उसके नीचे जो लाइन होती है वो सूर्य रेखा कहा जाती है। ये सरकारी नौकरी से देखा जाता है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक में आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए अगर आप सूर्य की रेखा से निकलकर कोई ब्रांच शनि पर्वत तक पहुंच जाए या सूर्य से निकलकर कोई ब्रांच बुध पर्वत तक पहुंच जाए, तो ये वास्तव में देखा गया है कि लोगों का कहना है कि सूर्य और शनि की युति जो होती है वो अच्छी नहीं होती, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये आपको उसके गुण दे देती है। सूर्य रेखा को अगर कोई ब्रांच निकलकर शनि पर्वत तक आ जाए तो ये उसको अपने गुण दे देगी। तो शनि जी के गुण क्या है, शनि देवता के गुण क्या है? शनि देवता के गुण ये है कि आपके अंदर ये सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ा देगा, आपके अंदर ये ऊर्जा पैदा कर देगा, ये आपको पैसा और समृद्धि तो देगा, साथ साथ ये आपको एक मौन की तरफ भी लेके जाएगा। शनि देवता आलस से दूर कर दे। शनि देवता के जो गुण होते हैं वो आदमी को हंटर मार के कामयाब करते हैं, मतलब आपके अंदर का आलस निकालते हैं, आपके अंदर जो होता है वो बाहर निकालते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ गुण है, तो उसको शनि देवता निकालने का काम करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। तकलीफ असल में शनि देवता नहीं देते हैं, तकलीफ आपके कर्म देते हैं, जो आप आलस से काम करते हैं, काम टालने का काम जो होता है ना, उसको खत्म करने का काम शनिदेव करते हैं, इसलिए आपके राशि में वो आते हैं। शनिदेव कभी भी आपका बुरा करने नहीं आते हैं, शनि देवता हमेशा आपके जीवन में सकारात्मकता पैदा करने आते हैं, आपके अंदर ऊर्जा पैदा करने आते हैं। तो ये गुण जो होते हैं शनि देवता के, ये आपकी सूर्य रेखा पर आप आसानी से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी रेखा सूर्य पर्वत पर आके, सूर्य रेखा पर आके जुड़ जाए, शनि से रेखा आके, शनि पर्वत से आके रेखा अगर सूर्य पर्वत पर जुड़ जाए, या ये कह सकते हैं आप कि सूर्य रेखा से निकली हुई कोई रेखा ब्रांच जो होती है वो शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो दोनों का कहना गलत नहीं होगा, दोनों कह सकते हैं। और ये आपको उसके गुण दे देगी, प्रसिद्धि देगी, पैसा देगा, आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ा देगा, और ये आपको मौन की तरफ भी लेके जा सकता है। मौन की तरफ लेके जाएगा मतलब आपको ध्यान, शांति और एकदम पीस आपके मन में ये डाल देगा। तो आपको भी आज के कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें ए आर एस्ट्रोलॉजी और जेम्स। ओम नमः शिवाय।